हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर स्टार डेक। ओए मुझको हीरा दे दे। आज क्या पढ़ने वाले बच्चे हम लोग? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन और रे डायग्राम बाय लेंस। हाँ, अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि लेंस इमेज कैसे फॉर्म करता है, तो आप क्या बोलेंगे? सर, लेंस फॉर्म्स इमेज बाय रिफ्रैक्शन। तो जो लेंस बेटा इमेज फॉर्म करता है वो कैसे करता है? हमेशा याद रखना, रिफ्रैक्शन से करता है। और इसी के साथ मिरर किससे करा करते थे? रिफ्लेक्शन से करा करते थे, रिफ्लेक्शन। अच्छा, एक चीज और याद आ गई मेरे को। हाँ, एक बच्चे का डाउट आया था, उसने कहा था सर वो फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही हमसे। ठीक है, कोई बात नहीं, करा देते हैं। इससे पहले डाउट जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलके सूरज की रोशनी पड़ती है पौधे में, तो पौधे में कुछ बुड़बुड़ सा होता है, और जब पौधे में कुछ बुड़बुड़ होता है तो पौधा C6H12O6 बना देता है, और इसी के साथ आपको जीवन दायिनी देता है, यानी कि ऑक्सीजन देता है ना। हमेशा एक बात दिमाग में रख लो, जब भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कोई भी रिएक्शन, कैसी भी रिएक्शन आए, बैलेंस करनी हो तो देखो स्टेप तो अपने वही थे, पर हमेशा सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करना बेटा, फिर हाइड्रोजन को, लास्ट में CHO के लिए। ये बात दिमाग में रख लो, बड़ी क्लास के लिए भी काम आने वाली है कि भाई CHO दूसरी भी आ जाए भाई। हाँ नहीं आई, क्या करेंगे? आ गई, आपसे बताऊ भाई, पहले किसी बता रहा था। चलो CHO, एक्सक्यूज मी, फॉर दैट ओके। देन CHO में सबसे पहले किसको बैलेंस करना है? CHO, C को H को। कार्बन कितना बेटा यहाँ पे? एक। यहाँ पर कितना है? सिक्स। तो यहाँ पे रिएक्टेंट और यहाँ पे प्रोडक्ट, ये तो अपना वही चलेगा जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया था। यहाँ पे कार्बन का नंबर कितना है बेटा? वन। रिएक्टेंट की तरफ वन है और प्रोडक्ट की तरफ सिक्स है, तो क्या करना पड़ेगा तुमको? रिएक्टेंट में सिक्स की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि रिएक्टेंट में सिक्स की मल्टीप्लाई कर दो, ये लो सर कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद बेटा हाइड्रोजन बैलेंस करने को बोला था ना मैंने। अच्छा, इसके इधर करते ही मेरे हाइड्रोजन में कुछ चेंज आया, आपको कुछ दिखा? देखो सर, यहाँ पे ऑक्सीजन में चेंज आया है, हाइड्रोजन में चेंज नहीं दिख रहा हमें। ना, हाइड्रोजन में चेंज दिख रहा। अच्छा, हाइड्रोजन में क्या करोगे? सर हमें तो हाइड्रोजन 12 दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं बेटा? 12। ठीक है, तो लिख दो प्रोडक्ट की तरफ हाइड्रोजन 12 दिख रहे हैं और रिएक्टेंट की तरफ हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। 2 को 12 पढ़ना आता है? हाँ सर, जादू आता है हमें भैया, जादू। तो 2 × 6 ये कितना हो गया? 12 हो गया। तो कर लो यहाँ पे भाई, दोनों तरफ हो गया ना बराबर हाइड्रोजन, यहाँ पे कर लो 6। अरे सर अब क्या हो गया? अब तो देखना ऑक्सीजन के बुरा नहीं मानेगा, बिल्कुल मानेगा, पर हम ऑक्सीजन भाई को मना लेंगे क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो हम रह नहीं सकते। ऑक्सीजन भाई रुक जाओ, आ रहे हैं आपके पास ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने थे? 6 × 2 = 12, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन थे? 18 हो गया ना, सब कुछ हाइड्रोजन और कार्बन को सेट करने के बाद। तो ऑक्सीजन कितने आए थे बेटा हमारे पास? रिएक्टेंट की तरफ 18। अच्छा इधर कितना है? इधर 6 और इधर 2, 8। इधर 8 कितने की कमी है? 10 की कमी है। अब सर इसका मतलब हम लोग 5 कर देते हैं, 5 कर देंगे, 10 हो तो गए सर 10। अरे बेटा आपने जब 5 को 2 से 10 से मल्टीप्लाई किया ना, 5 को 10 करा है, टोटल 16 हो गया, ये 2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट थे ना। तो ऐसा करते हैं सर, इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अरे बेटा ये तो बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि 6 × 12 और 6 = 18, 18 इधर 18 इधर, तो ही बैलेंस हो गई। समझ आती है? तो मिस्टेक नहीं करोगे? वेरी गुड, बट रियली इट वॉज योर डाउट, आई अप्रिशिएट योर प्रैक्टिस, और भरोसा तो रखिए आपके सभी डाउट क्लियर करेंगे। कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, कहीं भी डाल दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, हाँ, तो हम लोग वापस आते हैं अपने इमेज पे। तो लेंस फॉर्म्स इमेज बाय रिफ्रैक्शन और मिरर फॉर्म्स इमेज बाय रिफ्रैक्शन। अब देखो बेटा, कैसे कॉनकेव लेंस कैसे कॉन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्ट करता है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत ही आराम से इत्मीनान से समझाने की कोशिश करी है, और उम्मीद करता हूँ आशा की किरण जगी हुई है मेरे में कि आपको समझ में आ गई थी। खैर आगे चलते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे रे डायग्राम्स के बारे में, रे डायग्राम्स। अब जब हम लोग रे डायग्राम कर रहे होंगे तो हमें थोड़ी बहुत चीजें ध्यान में देनी है, वो ये है कि रे डायग्राम इसके सारे सिमिलर नहीं है।
मिरर की तरह सारे सिमिलर नहीं है, ठीक है, तो कुछ कुछ ही सिमिलर है, कुछ कुछ चीज अलग भी है, वो अलग क्या है उस चीज को भी ध्यान दें। अब देखो बेटा, ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये कॉन्वेक्स लेंस का फोकस वन, ये कॉन्वेक्स लेंस का टू एफ वन, ये कॉन्वेक्स लेंस का एफ टू और ये कॉन्वेक्स लेंस का टू एफ। इतनी बात समझ आती है? हाँ सर, ये तो आती है। अच्छा, इसके पीछे सिमिलर चीजें यही रहने वाली है हमारे पास, एफ वन टू एफ वन, एफ टू और टू एफ। बेटा याद रखना, जब कोई भी रे लाइट की पैरेलल है, पैरेलल तो लगी है, जब कोई भी लाइट की रे पैरेलल जाएगी तो किससे पास होगी बेटा? वो फोकस से होगी। तो पैरेलल रे विल पास थ्रू द फोकस। फोकस कीजिए, मेरा फोकस बढ़ जाता है मेरा डायग्राम अकॉर्डिंग, वेरी गुड। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइट पैरेलल जाएगी वो तो फोकस जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? अगर कोई भी लाइट फोकस से जाती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के आगे जाके पैरेलल बन जाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ रे ऑफ लाइट, उम्मीद की किरण, उम्मीद की किरण जारी हुई है, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू द फोकस। अरे यार, ये प्रिंसिपल एक्सिस का ले रहा अपने आप, समझ तो गए, विल पास थ्रू, कहां से पास करेगी बेटा? वेरी गुड, फोकस। दूसरी चीज, अरे पासिंग थ्रू द फोकस, कहां से पास कर रही है? थ्रू फोकस, फोकस, फोकस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये चीज ध्यान देना, रिफ्रैक्शन, यानी कि यहां पे गई ये पहले। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है वहां पे, क्या हो रहा है बेटा? तीसरी प्रॉपर्टी मिरर में देखो, ये इस पे लगने के बाद वापस आ जा रही थी, लेकिन नहीं, ये अगर ऑप्टिकल सेंटर पे लाई करेगी तो बेटा अनडेविएटली ऐसे ही पास कर जाएगी और फिर वापस जिस डायरेक्शन में आएगी वो वही डायरेक्शन में होगी जिस तरफ गई थी, यानी कि इट विल कम अनडेविएटली। समझ में आता है? अब इतना समझ में आ गया तो हम लोग कॉनकेव लेंस के बारे में बात कर लेते हैं। कैसे? कोई भी रे, बेटा यहां पर आपको याद है ना, लाइन इधर की तरफ फोकस नहीं जाया करती थी, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे मेरा फोकस थोड़ा सा चेंज होने वाला है ना। देखो, एनी रे दैट अपियर्स टू कम एट फोकस, ऐसी कोई भी लाइन जो कि फोकस पे आती हुई दिखेगी, दिखेगी फोकस पे जाते, देखो ये देखो कैसा होगा, नहीं ये पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि बेटा यहां पर हमारे पास फोकस तो पीछे जाएगा ना इसका। तो कोई भी रे ऑफ लाइट जो हमें ऐसा प्रतीत होता कि वो फोकस पे जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, समझ आती है? दूसरी चीज, कोई भी रे जो इससे पास करेगी वो अनडेविएटली इधर आ जाएगी। तीसरी कौन सी गई थी हमारे पास फोकस से पास होने वाली? देखो यहां से फोकस से पास कर लो, जब फोकस से पास करेंगे तो हम लोग ये क्या बन जाएगी, पैरेलल बन जाएगी। इतनी बातें समझ में आती हैं? आती हैं? तो ये रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं हमारे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फटाफट से रब क्या करो, नहीं मिटा देता हूं, डस्ट करेगा फिड़ी। अब हम लोग आज इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स, समझ में आता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स के थ्रू इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। स्क्रीनशॉट ले लिया था ना, अगर नहीं किया तो वीडियो बैक करके ले लो यार, समझदार बच्चे, स्मार्ट बच्चे, स्मार्टफोन ले रहे हो, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, ठीक है, कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स, ठीक है। अब बेटा हमें ये पता है कि इसका एफ वन इधर रहने वाला है, टू एफ वन इधर रहने वाला है, इसका एफ टू इधर रहने वाला है, टू एफ टू इधर। सबसे पहली चीज
कोई भी लाइट की सोर्स या ऑब्जेक्ट का सोर्स इन्फिनिटी से आ रहा है तो क्या होगी, सारी रेज आफ्टर रिफ्रेक्शन दे विल बी पासिंग थ्रू फोकस, फोकस से पास लेंगी। तो पहला केस क्या हो गया बेटा कि जब भी लाइट की रेज इंफिनिटी से आ रही है, यानी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है ना, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसके अलावा मैं लिख देता हूं यहां पे पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, और इसके अलावा बताता हूं उसका नेचर, साइज बताते हैं पहले, साइज और यहां पे उसका नेचर, ठीक है। यानी कि जब भी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन इंफिनिटी पे होगी तो हमारे पास इमेज की पोजीशन कहां पे बनेगी बेटा, फोकस पे बनेगी, फोकस करिए देखिए फोकस बन गई है ना। साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, वेरी डिमिनिश्ड कह दो, वेरी डिमिनिश्ड कह दो या पॉइंट साइज कह दो है ना। और इमेज कैसी बनेगी बेटा, ये रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखना है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा केस, अब मैं 2f1 के पीछे रखता हूं, 2f1 के पीछे रखता हूं, ठीक है। तो शेयर बेटो, यस सर यू में, सेकंड केस लेते हैं, सेकंड केस में क्या था बेटा, हमारे पास अब इंफिनिटी से आगे बढ़ाएंगे ना, तो ये f1 हो गया बेटा, ये क्या हो जाएगा 2f1, ये क्या हो जाएगा बेटा f2 और ये 2f2। अब की बार अगर ऑब्जेक्ट 2f1 के पीछे रखा है, देखो इन्फिनिटी से आ रही है, इससे आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो कोई भी रे पैरेलल होगी वो कहां से जाएगी बेटा, अब तो आपको याद है फोकस से जाएगी, और जब भी हमारे पास कोई भी रे फोकस से जाती है तो वो कहां पे जाती है, पैरेलल बन जाती है। यानी 2f1 के पीछे होगा ऑब्जेक्ट तो इमेज उसकी कहां बनेगी, 2f2 और f2 के बीच है ना, ऐसे। अच्छा पिछले वाले केस में वो कहां बन रही थी, एट f2 जो रियल इन्वर्टेड इमेज बनी थी कॉन्वेक्स के पहले केस में, हाँ ये पोजीशन फोकस f2 पे है, ठीक है ना, क्योंकि इसका f1 तो इधर, f2 इधर है, कॉन्वेक्स लेंसेज टू फोकस, ये मैं आपको पिछले वीडियो से समझा देता हूं। तो इसकी इमेज कहां बनेगी बेटा, बिटवीन f2 एंड 2f2, और कैसी बनेगी, ये बड़ी थी ये थोड़ी सी छोटी बनी है, ठीक है, मैंने समझ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन जब हमारे पास बियॉन्ड यानी कि 2f1 के पीछे, बियॉन्ड का उसके पीछे है ना, तो पोजीशन कहां पर रहेगी, बिटवीन 2f2 एंड f2। साइज क्या रहेगा उसका, थोड़ा सा डिमिनिश्ड या स्मॉलर लिख देना, डिमिनिश्ड और स्मॉलर, और रियल इन्वर्टेड बनेगी है ना, क्योंकि लाइन काट रहा है, ऐसा तो नहीं कि हम लोग अपनी मर्जी से लाइन ला रहे हैं, रियल और इन्वर्टेड, इतना समझ में आता है। अच्छा तीसरा केस क्या रहेगा, मैं 2f1 पे रख देता हूं, ऑब्जेक्ट को कहां पर देता हूं, 2f1 पे रख देता हूं, ठीक है, ओके। देन 2f1 पे बेटा जब मैं ऑब्जेक्ट को रख दूंगा तो क्या होगा, देखो ये मेरा f1, ये मेरा f2, ये मेरा 2f1 और ये मेरा 2f2। 2f1 पे ऑब्जेक्ट रखा ऐसा, तो लाइट जो भी पैरेलल जाएगी वो फोकस से गुजर जाएगी, जो भी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो ऐसे ही गुजरेगी। तो बेटा ये 2f1 वाले ऑब्जेक्ट पे बिल्कुल यहीं पे बिल्कुल मीट कर देंगे, देखा कहां पे करी 2f2 हाँ, और एग्जैक्ट सेम साइज का। जब ऑब्जेक्ट होगा एट 2f1 तो इट विल फॉर्म इमेज एट 2f2, साइज क्या रहने वाला है, सेम साइज, बट द नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, समझ आ रहा है। अच्छा मैं ये करूंगा 2f1 और f1 के बीच में रख देता हूं, 2f1 और बीच में रहता हूं, इससे तो आसान है टॉपिक, एक बार समझ में आ जाए फिर कोई दिक्कत थोड़ी होती है, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है जो कि हमें देना चाहिए, ठीक है। ये मेरा f1, ये मेरा f2, ये मेरा 2f1, ये मेरा 2f2, शाबाश जादू हो गया है, यहां पे बनेगा 2f2, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट कहां रखे हुए हैं, 2f1 से आगे लाइन पैरेलल जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी, देखो सेंटर से निकाल दें, सेंटर से निकालेंगे तो कहीं यहां जाके मिलिए, देखो ओ बड़ी लग गई है ना, और 2f2 के पीछे। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन 2f1 एंड f1 देन द इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब 2f2 के पीछे, हो जा रहा है। 2f2 कैसी बन रही है, बड़ी, इसे क्या कहते हैं,
लार्जर इन साइज। और फटाफट बोलो सर, इसका भी रियल और इन्वर्टेड रहेगा, पता है तो रियल इन्वर्टेड, वरना मिरर का लेक्चर जरूर देख लेना कि लाइन काट रही है नीचे की तरफ बन रहा है तो रियल इन्वर्टेड ऊपर की तरफ बनता तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के तो गुड बच रहे। अच्छा एक और अभी तो बनेगी एट एफ वन, जब हमारे पास इमेज एफ वन पे फोकस पे हो, याद करो फोकस की कहां बनती थी इमेज, फोकस करो इन्फिनिटी पे बनती थी, याद है? नहीं सर बता तुम बता ही रहे, कोशिश कर रहा था उससे काम चल जाए पर डायग्राम हमारा मिटाना ही पड़ता है। ये एफ वन, ये टू एफ वन, ये एफ टू, ये टू एफ टू, इतने पास तो नहीं बनेगा। ये टू एफ वन पे ऑब्जेक्ट रख दो, रख दो यहां से राइट निकाल दो, पैरेलल फोकस सेंटर से जाएगी तो ऐसे पैरेलल होगी, देखो होगी पैरेलल, तो पैरेलल लाइन कभी मिलेंगी? हाँ बताएगा कब मिलती है, पैरेलल लाइंस मीट एट इंफिनिटी, तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज क्या बनती है इंफिनिटी पे, तो कैसे बनती है लार्जर बड़ी, समझ में आया? और मानकर चली रहे ऐसे रियल मानकर चल रहे ना, यहां पर इंफिनिटी पे मिल होंगी, ठीक है। अच्छा अगला क्या होगा एफ वन के आगे रहे तो लास्ट केस कॉन्वेक्स के लिए, लास्ट केस कॉन्वेक्स के लिए लास्ट केस, बदल रहे हैं हाँ जी कॉन्वेक्स के लिए लास्ट केस। देखिए बेटा कॉन्वेक्स के लिए लास्ट केस रहने वाले हमारे पास एफ वन के आगे होगी, ये टू एफ, ये 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 क्या रहेगा एफ टू रख दो बेटा, यहां पे ऑब्जेक्ट रखोगे, यहां पे ऑब्जेक्ट रखोगे लाइट ऐसे जाएगी तो ये फोकस से हो जाएगी, बट और दूसरी लाइट यहां पे मारोगे तो और डाइवर्ज हो रही है, यानी कि रेखा इधर नहीं मिलेगी, ये कहीं पीछे जा रही है, ये देखो ऐसे ये, तो एफ वन के अगर आगे रखोगे तो ये टू एफ टू के पीछे बनेगी और इसी सेम डायरेक्शन में बन रही है बेटा, तो वर्चुअल ले रहा है, क्या ये लाइन क्रॉस करने के बाद बन रही है? नहीं सर, हमने अपनी मर्जी से बनाया, अपनी मर्जी वाले कहते हैं वर्चुअल ले रहे, तो बैट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस वन एफ वन, तो इमेज क्या बनेगी बियॉन्ड एफ वन है, बियॉन्ड टू एफ वन, टू एफ वन के पीछे, और कैसी बनेगी लार्जर बनेगी, और ये ध्यान रखना है इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, लास्ट वाला केस जगह नहीं बची है बोर्ड में लिखते लिखते ऐसे आ गए, समझ में आ गया कॉन्वेक्स केस समझ में आ गए, फटाफट से कॉनकेव की तरफ चलें, वेरी गुड। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर दैट इज कॉनकेव लेंस से कैसे इंफ्लुएंस है, जिस तरीके से वहां पे कॉन्वेक्स से दो बन रहे थे यहाँ पे कॉनकेव से सिर्फ दो बने। देखिए बेटा कॉनकेव के बाद फटाफट से रिकैप करा दूं, शायद पिछली बार अगर एक रह गया हो तो भी क्लियर हो जाएगा, कोई मेरे पैरेलल आएगी यहां से डाइवर्ज जानी है पीछे फोकस पे मिलेगी, एक ये फोकस था है ना, ये था ना, जल्दी जल्दी बताओ यार, हाँ ना बोलो ना, हाँ ठीक है। अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग, सर कोई भी जो फोकस पे जाके भी दिख रही थी वो पैरेलल हो जाएगी, कोई भी रे जो सेंटर से जाएगी वो वापस ऐसी आ जाएगी, ठीक है। बस इन चीजों को यूज करेंगे हम लोग, इन्हीं तीन चीजों को यूज, तीन के दो भी करेंगे बस, देखो देखो ये आपका कॉनकेव मिरर, एक तो भैया जब इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट केस वन क्या है, जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो कहां बनेगा बेटा उसके फोकस पे तो बनेगा, देखो ये आया ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से, अभी तो बना के दिखाई थी आपको लाइट कहां आई थी पीछे में प्रोड्यूस कर रहा, क्योंकि यहां पर तो डाइवर्ज हो जाएगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी, यानी कि अगर मैं यहां से भी लाइट फेंकू तो ये भी पीछे आएगी, ऐसे यहां से ऐसे डाइवर्ट हो जाएगी, करके दिखाया था ना पिछली क्लास में। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो उसका इमेज कैसा बनेगा बेटा एट एफ वन फोकस वन। अच्छा कैसा बनेगा, क्या ये लाइन रियल मीट कर रही है, कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही ना, ये हमने अपने आप बनाई है, तो साइज क्या होगा पहली बात तो वही पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड, और नेचर क्या रहने वाला है बेटा इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि लाइन मीट नहीं कर रही है तो अपनी मर्जी से बना रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्चुअल इरेक्ट मिरर किस तरह बन रही है इसलिए वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है। दूसरा केस क्या रह सकता है कि कहीं पे भी इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच में कहीं पे भी रख दो, सेकेंड केस क्या हो गया बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो इसके बीच में, तो क्या होगी लाइट के लिए सपोज करो यहां से आई
राइट की रेस सपोज करो यहां से, यहां से जाने के बाद ये पीछे की तरफ आएगी, आएगी ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं। और दूसरी चीज ये तो पीछे की तरफ आ गई, चलो कैसे डाल लो, फोकस से डालना चाहो फोकस से डाल लो, ऐसा करते हैं सेंटर से नहीं लिया ऐसा सेंटर वाला के समझो, देखो सेंटर से गई ये लाइट मारी। अच्छा कुछ लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इमेज बना देंगे, ऐसे बनेगी तो यहीं पे कर बेटा मेरे सामने एरो जरूर बना देना, क्योंकि अगर आपने एक एरो बनाया ना तो मार्क्स काट सकते हैं, क्यों, जब रिफ्लेक्शन लाइट का रिफ्लेक्शन ही आया है इससे तो ऐसे वापस आएगी ना, ये चीज तो बोल रहे हैं, तो बेटा दोनों एरो बना के दिखा देना है ना, एक ही से कर लो काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये यहाँ पे इमेज बनाई, जैसे कैसी बनाइए स्मॉलर बनाइए, तो और इमेज क्या बनेगी F1 बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, और कैसी बनेगी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और नेचर का रहने वाला इस बार भी वर्चुअल और करेक्ट रहने वाला है, समझ आता है इतना पक्का, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इस लेक्चर के हमारे पास क्या बचता है, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन लेंस फॉर्मूला है ना, उन सब का हम लोग कब करेंगे, अगली क्लास में करेंगे।